हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं गैसों का द्रवण यानी कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, राइट? लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अब इसी लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में हम जूल टॉमसन इफेक्ट भी पढ़ेंगे साथ ही साथ, ओके? तो चलो डिस्कस करते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस और साथ ही डिस्कस करेंगे जूल टॉमसन इफेक्ट, ओके? तो सबसे पहले मेन जो पॉइंट है यहाँ पर कि लिक्विफाई किसी भी गैस को कैसे किया जा सकता है, किसी भी गैस को अगर लिक्विफाई करना है तो उसको कैसे किया जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है उसको लिक्विफाई करने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हर गैस का एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। क्या होता है? हर गैस का एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ठीक है? अब किसी भी गैस को ना उस क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ही लिक्विफाई करना पॉसिबल होता है, उसके ऊपर पॉसिबल नहीं होता। किसी भी गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे उसके प्रेशर को कम करके, उसके प्रेशर को डिक्रीज करके हम जो है वो किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। पर आप क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर अगर किसी भी गैस के प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो चाहे कितना भी डिक्रीज कर लो उसके प्रेशर को, आप उस गैस को लिक्विफाई कर ही नहीं सकते, ओके? तो अभी देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं लिक्विफिकेशन, ओके? तो यहाँ पे देखते हैं किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे उसे ठंडा किया जाता है, ठीक है? और क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर बढ़ाने पर भी गैस का लिक्विफिकेशन नहीं हो पाता, बता दिया मैंने। अब कौन सी गैस है जिनका लिक्विफिकेशन हो सकता है, कौन सी गैस है जिनका प्रेशर बढ़ाने पर भी लिक्विफिकेशन नहीं होता है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि NH2, Cl2, SO2, आप नोटिस करेंगे सारे के सारे रियल गैसेस है, ओके? नॉर्मल गैसेज है हमारी। तो यहाँ पे ये NH2 हो गई, NH2 की जगह आप इसे NH3 लिख दो, अमोनिया गैस लिख दो, ठीक है? NH3 हो गई, Cl2 हो गई, SO2 हो गई, CO2 हो गई, इनका लिक्विफिकेशन जो है आप इनके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे प्रेशर बढ़ाकर कर सकते हैं। इनके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे यानी कि इनका जो भी क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उसके नीचे इस गैसेस को लेके आप उनका प्रेशर बढ़ाओ तो वो लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर नॉर्मली ज्यादा ही होता है, ओके? तो जितना अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसके नीचे का टेम्परेचर आप जो है वो जो कह सकते हैं ना मेजर कर सकते हैं उसके नीचे, ठीक है? और उसके नीचे अगर आप उसका टेम्परेचर जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर घटेगा, ठीक है? तो उसके नीचे जैसे जैसे आप टेम्परेचर जो है उसको कम करोगे तो वो कम किया जा सकता है। अब जैसे कि 50 के नीचे आप उसका टेम्परेचर आराम से जो है वो 40 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, पर अगर टेम्परेचर ही 240 दे रखा है, -80 दे रखा है, -90 दे रखा है, तो उसको और ज्यादा कम करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है? इसलिए कह रहे हैं कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर इतना ज्यादा है तो उस टेम्परेचर के नीचे आप जो है प्रेशर बढ़ाकर उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, बजाय कि उनका टेम्परेचर अगर उतना है तो इसके नीचे जो है वो आप उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, ठीक है? या फिर इसके ऊपर जो है आप उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, क्लियर? ओके, सो यहां पर हम देखते हैं कि इनका तो देखो नॉर्मली ज्यादा ही होता है तो इनका कम करके देखो, लिक्विफिकेशन ऑलवेज हमें पता है कि लिक्विफिकेशन कब होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तभी लिक्विफिकेशन होता है ना? द्रविकरण कब होगा? किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कम होगा और उनका प्रेशर बढ़ाएंगे तभी लिक्विफिकेशन पॉसिबल है। ये तो नेसेसरी कंडीशन है, यहाँ पे एसेंशियल कंडीशन है, ओके? टेम्परेचर बढ़ा कर आप किसी का लिक्विफिकेशन नहीं कर सकते, टेम्परेचर घटा कर ही कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर तो हम लिक्विफाई कर ही नहीं सकते, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे लिक्विफाई कर सकते हैं, पर कुछ गैसेस में नीचे भी पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इनका टेम्परेचर ऑलरेडी इतना लो होता है कि हम कैसे करेंगे, ठीक है? ओके, तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं। ये तो हो गई फर्स्ट कैटेगरी जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे प्रेशर बढ़ाकर उनको लिक्विफाई किया जा सकता है, ओके? क्योंकि ऑलरेडी उनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इसके बाद जो हम लेते हैं कुछ दूसरी गैसेस जैसे H2 हो गई, O2 हो गई, N2 हो गई, हालांकि ये भी रियल गैस है, हीलियम और हाइड्रोजन जो गैस होती है इनकी, ये थोड़ा सा आइडियल बिहेवियर शो करती है,
आइडियल बिहेवियर की तरफ होती है, मतलब बिल्कुल शो तो नहीं करती, उनकी तरफ होती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ना। तो ये सारे केस है, इनका लिक्विफिकेशन जो है वो आप प्रेशर बढ़ाकर नहीं कर सकते, प्रेशर बढ़ाकर नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्रेशर बढ़ाकर कितनी कूलिंग कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी इनका टेम्परेचर माइनस में जा रहा है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑलरेडी माइनस, तो यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, इस वजह से प्रेशर बढ़ाकर इनका जो लिक्विफिकेशन है वो पॉसिबल नहीं होता है। ओके, चलो ये तो हो गई बात कि किन का लिक्विफिकेशन, किन गैसेस का लिक्विफिकेशन हो सकता है और किन गैसेस का लिक्विफिकेशन नहीं हो सकता है। ओके, अब देखते हैं कि गैसेस की क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ठंडा करने की दो थ्योरीज हैं। ओके, पहली थ्योरी है जूल टॉमसन थ्योरी और दूसरा है जो है एक्सपेरिमेंट ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन। वो देखेंगे हम कि रुद्धोष्म प्रसार द्वारा किस तरह से जो है वो कूलिंग की जा सकती है। ओके, तो पहला देखते हैं जूल टॉमसन इफेक्ट। ये आई होप आपने कहीं पढ़ा होगा, हमने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा, जूल टॉमसन इफेक्ट। तो जूल टॉमसन इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ पे दो चैम्बर लेते हैं, है ना, यहाँ पे आप दो चैम्बर लेते हैं, यहाँ पे ये बीच में, दोनों चैम्बर के बीच में, मेरा पेन किधर है, हाँ यहाँ पे दोनों चैम्बर के बीच में आप यहाँ पे एक पोरस प्लग लगा देते हैं। क्या? पोरस प्लग लगा देते हैं, सरंध्र डार्ट लगा देते हैं यहाँ पे ना। यहाँ पे क्या होता है कि गैसेस इनसे यहाँ से पास हो सकती है ना, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं पोरस प्लग। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए दो चैम्बर है हमारे पास, एक में हमारे पास गैस भरी हुई है, मतलब गैस भरी हुई है, इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रेशर है, गैस फिल है, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रेशर है। ओके, और यहाँ पे जीरो प्रेशर रखा है हमने, बिल्कुल वैक्यूम रखा है इसको, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि इस चैम्बर में भी पिस्टन लगा रखा है हमने, और इस चैम्बर में भी हमने पिस्टन लगा रखा है, ये वाला, ठीक है, इस चैम्बर में और इस दोनों चैम्बर में पिस्टन लगा रखा है। यहाँ पे क्योंकि हमने गैस भर रखी है, तो इस गैस का कोई टेम्परेचर है T1 और इस गैस का कोई प्रेशर है P1, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, इस पिस्टन को अंदर की तरफ धकेलते हैं, ठीक है। जैसे ही अंदर की तरफ मूव कराएंगे इस पिस्टन को, पिस्टन हमारा बिल्कुल ही फ्रिक्शन लेस पिस्टन है, ठीक है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन है। ओके, फ्रिक्शन लेस पिस्टन है। फ्रिक्शन लेस पिस्टन कहने का मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि इसको अंदर धकेलने में कोई एनर्जी नहीं लग रही, घर्षण रहित है बिल्कुल, ठीक है। तो ये जैसे ही आप पिस्टन को मूव कराएंगे अंदर की तरफ, तो इस पोरस प्लग से, यहाँ पे जो गैस भरी हुई थी, इस पोरस प्लग से होती हुई ये गैस जो है इस वैक्यूम में जाएगी जहां ऑलरेडी प्रेशर न के बराबर था। क्लियर है? ओके, तो अब जो है यहाँ पे क्योंकि गैस जो है इधर मूव की है और इधर बिल्कुल वैक्यूम था, कोई प्रेशर नहीं था इधर, तो जैसे ही ये मूव करती है इधर क्या होती है, बिल्कुल ये एक्सपेंड हो जाती है, ये गैस इस पोरस प्लग से पास होते ही बिल्कुल एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे ही इसका एक्सपेंशन होगा, यहाँ पे इसका भी कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, ठीक है, गैस आई है तो उसका टेम्परेचर तो होगा, कुछ था ही नहीं तो किसका टेम्परेचर कहते हैं, तो यहाँ पे इस गैस का कोई टेम्परेचर होगा T2 और इस गैस का भी कोई प्रेशर होगा P2, ठीक है, और यहाँ पे हुआ है एक्सपेंशन। अब मैंने कहा पिस्टन हमारा फ्रिक्शन लेस था, पोरस प्लग से होके गैस गई है, ओके, एक्सपेंशन हुआ है, यानी कोई ना कोई वर्क हुआ है यहाँ पे, एक्सपेंशन अपने आप तो नहीं हो गया होगा, है ना, एक्सपेंड होने के लिए भी तो एनर्जी लगती है, कुछ भी होने के लिए एनर्जी लगती है, सिंपल सी बात है। तो एक्सपेंशन के लिए एनर्जी लगी है, तो ये एक्सपेंशन के लिए जो एनर्जी लगी, ये आई कहां से, ये आई मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी थी। क्या थी? इन मॉलिक्यूल्स की अपनी खुद की एनर्जी थी यहाँ पे, जो काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर्ड थी। क्या? काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर्ड थी यहाँ पे इनकी अपनी एनर्जी। ओके, अब ये जो एक्सपेंशन हुआ इसमें इनकी खुद की एनर्जी लगी है। अब जब खुद की एनर्जी लगी है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एनर्जी इन्होंने यूज की है तो ये क्या होगा, टेम्परेचर इस वजह से डिक्रीज होगा, क्योंकि अपनी एनर्जी तो एक्सपेंशन में यूज हो गई। तो इस गैस का जब एक्सपेंशन होगा, इस चैम्बर ए में, इसे ए दे दू, इसको बी दे दू, तो चैम्बर ए से जब बी में एक्सपेंशन होगा
तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी में गैस एक्सपेंड होते ही यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, और यही जो है आपका क्या कहलाता है, जूल टॉमसन इफेक्ट कहलाता है। इस तरह से टेम्परेचर का वैक्यूम में डिक्रीज हो जाना गैस के एक्सपेंशन से, ये क्या कहलाता है आपका, जूल टॉमसन एक्सपेरिमेंट। और इस इफेक्ट को, यानी कि यहाँ पे इस गैस की कूलिंग हो गई, उसे ही हम क्या कहते हैं, जूल टॉमसन इफेक्ट कहते हैं। क्लियर ये, ठीक है, ओके। और ये किसने दिया था, ब्रिटिश फिजिसिस्ट था जेम्स पी जूल और विलियम थॉमस, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, जेम्स पी जूल और विलियम थॉमस। अंडर हाई प्रेशर इज मेड टू एक्सपेंड, पहले इनका प्रेशर बहुत हाई होता है, इसके बाद इनको एक्सपेंड किया जाता है लो प्रेशर की तरफ। मैंने वैक्यूम कहा आपको, बिल्कुल वैक्यूम ही, वैक्यूम भी कह सकते हैं आप, लो प्रेशर की तरफ एक्सपेंड किया जाता है, सफर्स और फॉल इन टेम्परेचर, इनके टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, और इस फिनोमिना को जूल टॉमसन इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है इतना, समझ में आ गया ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। हाँ मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको बताया है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, आपके बीच में ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में आकर्षण बल की वजह से ही होती है। इससे पहले भी हमने पढ़ा क्या होता है, कोलिजन होने की वजह से भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ठीक है। तो आकर्षण होने की वजह से भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी होती है, इनकी अलग अलग फॉर्म्स आकर्षण बल वगैरह कह सकते हैं। तो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में जो आकर्षण बल होता है या फिर इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो यहाँ पर यूज होती है, ओके। तो यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये जो है अट्रैक्शन फोर्स के रूप में यहाँ पे होगी, और जैसे ही यहाँ पे जो पोअर्स प्लग से ये पास होंगे दूसरे चैम्बर में जाएंगे तो इनमें एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होने की वजह से गैस का टेम्परेचर में कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया, जूल टॉमसन इफेक्ट कहलाता है। और जो आइडियल गैसेस होती है ना उनका जो जूल टॉमसन इफेक्ट होता है वो क्या होता है, वो जीरो होता है, उनका जूल टॉमसन इफेक्ट क्या होता है, जीरो। आइडियल गैसेस का जूल टॉमसन इफेक्ट जीरो होता है। बेसिकली क्यों जीरो होता है, हमने आइडियल गैसेस भी पढ़ी है आपको याद हो तो क्लास में, है ना। तो जीरो होने का रीजन क्या है कि हम कहते हैं कि जो आइडियल गैस होती है उनका पॉइंट मास होता है, ये इस तरह से पॉइंट मास होता है। अब इन पॉइंट मास के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्सेस ही नहीं होते, इनके बीच में कोई जो है अट्रैक्शन फोर्सेस ही नहीं होते। तो अब अट्रैक्शन फोर्सेस ही नहीं होते तो ये जब एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाएगी तो ये गैस एक दूसरे को किस बेसिस पे एक्सपेंड करेगी, ठीक है। इनके बीच में ऐसा कोई फोर्स ही नहीं है कि जिस वजह से इनकी एनर्जी डिक्रीज या इंक्रीज हो सके, राइट। तो इस वजह से जो जूल टॉमसन इफेक्ट आइडियल गैसेस में होता है वो जीरो होता है, बिल्कुल ओके। यहाँ पे उनका कोई मतलब नहीं है जूल टॉमसन इफेक्ट आइडियल गैस में पड़ने का, ओके। चलो ये हो गया जूल टॉमसन इफेक्ट। अब देखते हैं कि इसी में जो है एक पॉइंट आता है इन्वर्जन टेम्परेचर, जो हमें यूज में आएगा, ओके। क्रिटिकल टेम्परेचर से रिलेटेड है ये भी, सब एक दूसरे से रिलेटेड है यहाँ पे, ओके। व्युत्क्रम ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर, तो किसी भी डेफिनेशन देख लो, इंपॉर्टेंट है, किसी भी गैस का एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे एक्सपेंड कराने पर कूलिंग होती है। ऑब्वियस बात है, कोई भी गैस हो एक निश्चित टेम्परेचर के नीचे उस गैस का एक्सपेंशन कराने पर या उस गैस को प्रसार प्रसार कराने पर उसका कूलिंग हो जाती है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर के निश्चित मान को ही हम इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। तो आपको कोई कहे कि इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है तो सिंपल सा कहना है कि वह टेम्परेचर जिसके नीचे किसी भी गैस को एक्सपेंड करा के उसकी कूलिंग कराई जा सके वह टेम्परेचर आपका इन्वर्जन टेम्परेचर होगा। इन्वर्जन टेम्परेचर का जो फिक्स फॉर्मूला है यहाँ पर, यह है आपका इन्वर्जन टेम्परेचर बराबर होता है 2A/RB के। यहाँ पे ए और बी क्या है, आपके वॉन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स है, ओके। ए और बी यहाँ पे वॉन डर वाल्स कॉन्स्टेंट है, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर कुछ गैसेस का, इन्वर्जन टेम्परेचर या इससे ऊपर जूल टॉमसन इफेक्टिव नहीं होता है। ऑब्वियस ही बात है कि एक इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना
ठीक है, कूलिंग वगैरह के, तो इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर। इन्वर्जन टेम्परेचर बेसिकली क्या है, आपका क्रिटिकल टेम्परेचर ही है, उसके ऊपर जो है वो किसी भी गैस का एक्सपेंशन नहीं हो सकता, या फिर जूल टॉमसन इफेक्ट वहां पे काम नहीं करता उस टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, इससे ऊपर जूल टॉमसन इफेक्ट काम नहीं करता है। तो H2 का जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो इतना होता है, ओके, इसके ऊपर जो है आप इसका लिक्विफिकेशन करा ही नहीं सकते, लिक्विफिकेशन नहीं, एक्सपेंशन करा ही नहीं सकते, और इसके जो हीलियम का होता है वो इतना होता है, यानी कि माइनस में होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर के ऊपर आप गैस का एक्सपेंशन नहीं करा सकते, आप कराएंगे कूलिंग नहीं हो सकती, इसके नीचे ही कूलिंग हो सकती है, और लिक्विफिकेशन तो बहुत दूर की बात है, कूलिंग ही हो पाती है, ठीक है, ओके। अब CO2 और O2 और N2, ये सारी जो गैसेस है इनका इन्वर्जन टेम्परेचर ज्यादा होता है, इनका क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा होता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन। जब गैस का प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन कराया जाता है तो एक्सटर्नल वर्क नहीं होता, वो तो मैंने बताया आपको, एक्सटर्नल वर्क नहीं होता है, तथा एक्सपेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अकर, यानी कि मैंने वो भी बताया आपको कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो खर्च होती है वहां पे, कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं होता है एक्सपेंशन में, बस आपकी काइनेटिक एनर्जी खर्च होती है वहां पे, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो अट्रैक्शन फोर्सेस की फॉर्म में हो सकती है, वो किसी भी फॉर्म में होती है, पर वहां पे काइनेटिक एनर्जी खर्च होती है, जिस कारण से टेम्परेचर में जो है वो कमी आती है, जिस कारण से टेम्परेचर में कमी आती है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह प्रिंसिपल जूल टॉमसन इफेक्ट के साथ यूज करके आप क्लोर प्रोसेस द्वारा गैस का लिक्विफिकेशन करा सकते हैं, क्लोर प्रोसेस द्वारा गैस का लिक्विफिकेशन हो सकता है, ओके। जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था ना, ये हमने यहाँ पे जो है बिल्कुल ऐसा था, ये हमने यहाँ पे कोई भी जो है कंडीशन नहीं रखी थी एडियाबेटिक प्रोसेस की, पर अगर हम यहाँ पे कह देते कि यहाँ पे ये जो पूरा हमारा सिस्टम है ये क्या है, उष्मरोधी है, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, Q इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि हीट जो है यहाँ पे वो जीरो होगी, ना तो हीट बाहर से अंदर आएगी, ना हीट अंदर से बाहर से अंदर आएगी, ना ही अंदर से बाहर जाएगी हीट, तो वो क्या हो गया, सिस्टम हमारा पूरा रुदोष्म सिस्टम हो गया यहाँ पे। तो ये ही एडियाबेटिक सिस्टम था, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लगभग, ठीक है। तो यह प्रिंसिपल जूल टॉमसन इफेक्ट, एक तो ये प्रिंसिपल है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ही खर्च हो, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में जब एक सिस्टम में न तो हीट आती है न ही हीट जाती है, साथ ही एक्सपेंशन में उनकी काइनेटिक एनर्जी ही खर्च हो, तो ये कहलाती है आपकी एडियाबेटिक एक्सपेंशन, राइट। तो जो क्लॉड विधि है उसको यूज करके आप लिक्विफिकेशन करा सकते हो, और क्लॉड विधि में दोनों ही, यानी कि एक पिस्टन वाला सिस्टम और उसके साथ साथ जो क्यू इज इक्वल टू जीरो वाला सिस्टम, दोनों साथ में वहां पे काम करते हैं, उस विधि द्वारा भी आप लिक्विफिकेशन करा सकते हैं किसी भी गैस का, ओके। तो यहाँ पे हम पहला मेथड देखते हैं, मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। सबसे पहला मेथड यहाँ पे लिंडेज मेथड हम देखते हैं, ओके। ये जो है जूल टॉमसन इफेक्ट को फॉलो करता है यहाँ पे जूल टॉमसन इफेक्ट को फॉलो करने का सिंपल सा मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि गैस का एक्सपेंशन कराएंगे, क्या कराएंगे, गैस का एक्सपेंशन कराएंगे, ओके, कब, वैक्यूम में, जब कोई प्रेशर नहीं होगा उस समय गैस का एक्सपेंशन कराया जाएगा, प्रेशर डाल करके वहां पे, बिल्कुल जैसे देखो किस तरह से यहाँ पे आपका देखे तो ये है आपका गैस का एंटर, यहां से आपने फ्रेश एयर ली है, ठीक है। अब ये एयर जो है इसमें ना तो H2O है और ना ही CO2 है, दोनों से फ्री कर दिया इस एयर को, एकदम प्योर एयर ली है, ओके। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो आपका है ये पार्ट आपका कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर में ये एयर क्या होती है, कंप्रेस होती है, ओके। और क्योंकि अभी मैंने कहा ना ये एयर यहाँ पे कंप्रेस हुई, कंप्रेस होने का सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे ही ये कंप्रेस होगी यहां से क्या होगा, हीट रिलीज होगी,
क्या होगी, हीट रिलीज होगी। जैसे ही मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास आएंगे यहां से हीट रिलीज होगी, दूर दूर जाएंगे तो हीट डिक्रीज होगी, हीट वहां से डिक्रीज होगी क्योंकि वो दूर दूर जाने में यूज हो जाती है। जैसे ही पास पास आएंगे यहाँ पे हीट क्या होगी, रिलीज होगी। और यहाँ से कंप्रेस करने की वजह से जो हीट रिलीज हुई है वो इस रेफ्रिजरेंट में आती है ये गैस उस हीट के साथ, तो ये रेफ्रिजरेंट जो है उस हीट को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, कूलिंग कर देता है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हीट निकली थी गैस के कंप्रेस होने की वजह से वो इसकी कूलिंग कर देता है रेफ्रिजरेंट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पर यहाँ पे लिक्विफिकेशन नहीं होता, ये नहीं कि आपने गैस की, यहाँ पे गैस की कूलिंग नहीं हुई है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हीट उनके कंप्रेस होने की वजह से निकली थी वो जो है रिमूव हो गई है हीट, ठीक है। तो ये जो है फिर गैस जो है, ये कंप्रेस्ड गैस जो है वो आगे जाती है, आगे जाके इस स्पाइरल ट्यूब से होके जाती है, यहाँ पे लगा हुआ है जेट आपका, ये वाटर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये अपकन, ये एक बार में नहीं होगा, ये बहुत सारे प्रोसेस होंगे इसके, एक एक दो तीन चार पांच बार, जब तक कि पूरी लिक्विफाई नहीं हो जाए गैस तब तक ये करते हैं, तब जाके यहाँ पे ये लिक्विड आपको मिलता है। ओके, तो मैं क्या बता रही थी, यहाँ से एक कंप्रेस्ड गैस आई जिसकी एक्स्ट्रा हीट यहाँ पे रेफ्रिजरेंट ने रिमूव कर दी, ठीक है। और यहाँ पे ये नीचे लगा हुआ था जेट, जेट से जैसे ही गैस निकलेगी क्या होगी, जेट से निकलते ही ये गैस एकदम से एक्सपेंड होगी यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे ये गैस एक्सपेंड होगी तो जैसे जूल टॉमसन इफेक्ट क्या था, अब यहाँ पे कोई गैस तो थी नहीं पहले, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी गैस आई है वो क्या होगी, यहाँ पे एक्सपेंड होगी। यहाँ पे इनिशियली तो बिल्कुल प्रेशर क्या था, जीरो ही था, गैस का कोई प्रेशर था ही नहीं। अब जेट के थ्रू यहाँ पे बिल्कुल ही गैस एकदम फोर्स के साथ आएगी और एक्सपेंड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सपेंड होने की वजह से इस गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पर इतना भी डिक्रीज नहीं होगा कि वो लिक्विफाई ही हो जाए, है ना। तो वो गैस वापस से क्या करती है, गैस का काम क्या होता है, ऊपर की तरफ उठती है, सिंपल सी बात है। तो जो लिक्विफाई नहीं हो पाई वो गैस वापस यहाँ के थ्रू वापस कंप्रेसर में आती है, ओके। और फिर कंप्रेसर में फिर से उसे कंप्रेस किया जाता है, फिर से जो एक्स्ट्रा हीट निकली है वो यहाँ रेफ्रिजरेंट में आती है गैस, तब एक्स्ट्रा हीट को रिमूव कर दिया जाए। देखो कितनी हीट यहाँ से रिमूव हो जाएगी, है ना। फिर यहाँ पे वापस से ये गैस वापस से इस सिस्टम में आती है, वापस से स्पाइरल के थ्रू जाती है, वापस से यहाँ पे जेट के थ्रू एकदम से फेंकी जाती है गैस बाहर। जैसे ही यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, ठीक है, एक बार दो बार तीन बार अगेन एंड अगेन ये प्रोसेस होता रहेगा, और एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे गैस पूरी तरह से कूलिंग हो जाएगी गैस की और गैस जो है लिक्विफाई हो जाएगी, तो यहाँ पे ये सिस्टम में हमारे पास यहाँ पे एकत्रित हो जाएगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये अंदर इसको जाने का और यहाँ से इधर मूव करने का, ये बार बार होता रहता है जब तक कि लिक्विफिकेशन हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता, है ना, तब जाके यहाँ पे ये लिक्विफाई हो जाती है। तो यहाँ पे जूल टॉमसन इफेक्ट जो है वो यूज में लिया जाता है, ये आपका लिंडे मेथड है, आपका इस मेथड को आप लिंडे मेथड कहते हैं, ओके। यहाँ पे इस थ्योरी में जो भी लिखा हुआ है वो मैंने जो एक्सप्लेन किया है वही लिखा हुआ है, ओके। तो ये थी आपकी लिंडेज थ्योरी या फिर लिंडेज मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ओके। नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लॉड मेथड, उसके बाद लगभग आपकी यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ओके। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही।